हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट टू है, जिसमें हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक पूरी डिटेल्स डिस्कस की हुई है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये सारे आर्टिकल्स, और इसको भी मैंने पीपीटी फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो आप लोगों को नोट्स बनाने में इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी काफी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी के ऊपर। तो ये इस कैटेगरी में आर्टिकल 14 से 18 आते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर्टिकल 14 में आता है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, क्लास, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। एंड आर्टिकल 18 इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। ये सारे आर्टिकल्स हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आने वाले टाइम पे भी इस पर हमेशा ही स्पेशल फोकस रहता है। तो क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोनों सेम चीज़ है? तो दोनों सेम चीज़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्लियर पॉइंट्स लिखे हैं। आप लोग चाहे तो अपना नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। स्टेट जो है कभी किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिनाई नहीं कर सकता। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दिया जाएगा अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है तो। बोथ द प्रोविजंस कन्फर राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स विदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। दोनों जो प्रोविजन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों ही सारे पर्सन्स को दिए जाते हैं, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, ठीक है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ को। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो अलग चीज़ें हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं दोनों के अलग अलग मीनिंग्स पे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कैसे भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ये सारी किसी भी बेसिस पे, कोई भी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को कोई स्पेशल एडवांटेज या प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर आता है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, जो कि ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स द्वारा एडमिनिस्टर होता है, वैसे सारे ऑर्डिनरी लॉज को जो है वो सारे इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सारे पर्सन्स को इक्वली सब्जेक्ट माना जाएगा। और नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? वो है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सरकमस्टांसेस, चाहे दो अलग इंसान हो, लेकिन अगर सरकमस्टांस और सिचुएशन सेम हो तो उन लोग को इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। फिर सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लॉज होगा, लॉस्ट टाइप हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, इसका भी वही मतलब है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सेम लाइक को अलाइक ट्रीट करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
अब आते हैं रूल ऑफ लॉ। तो जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, वो लिया गया है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसका कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय ए वी डाइसी द ब्रिटिश जुरिस्ट। रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? तो वो ए वी डाइसी द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश जुरिस्ट हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ, अब रूल ऑफ लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं, तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी लॉ का उल्लंघन ना करे, ठीक है, ब्रीच ऑफ लॉ ना हो। फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाई द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ठीक है। सबको इक्वालिटी दिया जाएगा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, सारे को इक्वली सब्जेक्ट माना जाएगा ऑर्डिनरी लॉ के पास, जो कि ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा हो। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ रैदर दैन द कॉन्स्टिट्यूशन बींग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। सी, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारे इंडिया में फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये पॉइंट इंडिया में इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ही सोर्स का माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ही सोर्स माना जाता है इंडिविजुअल के राइट्स का, लेकिन रूल ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है कि वो रिजल्ट है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल का। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ का दो पॉइंट सिर्फ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होता है, बाकी थर्ड पॉइंट नहीं। इसी यहाँ पे मैंने नोट पे भी मेंशन कर दिया है, फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन नहीं। इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को ही सोर्स माना जाता है इंडिया में हमारे इंडिविजुअल राइट्स का, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, किस किस ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन नहीं होगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस किस पॉइंट्स पर, किस किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी सिटीजन्स को। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पे, ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सी, इसके जो वर्ड्स है ना, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा जो वर्ड्स लिखा हुआ है वही वर्ड्स यूज़ करेंगे। आंसर लिखने के टाइम आप लोग इस चीज़ को स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कोई भी पॉइंट्स को हम लोग जोड़ या घटा नहीं सकते, ठीक है। इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें मेंशन की हुई हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कलर, फिर क्रीड, ये सारी चीज़ें अपने मन से ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन भी है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, सॉरी ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसका कुछ एक्सेप्शंस है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है गवर्नमेंट। फिर स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स फॉर एससीज एंड एसटीज। तो वीमेन और चिल्ड्रेन के लिए कर सकती है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटीज के लिए बना सकती है। तो ये सारे एक्सेप्शंस में आएंगे आर्टिकल 15 के। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16, जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात की गई है। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कोई भी ऑफिस जो गवर्नमेंट अंडर में काम करती है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस बोलते हैं, पब्लिक ऑफिस बोलते हैं, तो वैसे ऑफिस में किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे अपॉइंट होने के लिए या एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए। लेकिन इस पे भी 3 एक्सेप्शंस हैं,
तो वो तीन एक्सेप्शंस देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सबसे पहला है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस एज अ कंडीशन, कहाँ का रेसिडेंस होने से प्रेफरेंस मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती है, तो ये एक्सेप्शन में आएगा, इसको हम लोग वायलेशन नहीं कह सकते हैं। फिर आता है द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। ठीक है, रिजर्वेशन जैसे कि हम सबको पता है कि रिजर्वेशन तो दिया जाता है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट में भी, तो ये भी एक्सेप्शन में आता है, इस पर हम लोग वायलेशन का चार्जेस नहीं फ्रेम कर सकते। और थर्ड पॉइंट है कि ए लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन। सपोज कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ पे उसका गवर्निंग बॉडी उसी रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी एक्सेप्शन में ही कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पे हम लोग सबको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन एक्सेप्शंस जो हैं वो आर्टिकल नंबर 16 में दी हुई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं आर्टिकल 17 जिसमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हुई है। दिस आर्टिकल अबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम लोग अनटचेबिलिटी, जैसे कि ये हमारे इंडिया में हम सबको पता है ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, अभी भी कुछ कुछ एरियाज़ में इसकी प्रैक्टिस होती है, दो ये इलीगल है, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर भी अगर हो रही है तो हम लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो अगर कहीं पे हो रहा है तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इसमें हम लोगों को जस्टिस मिल सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ अनटचेबिलिटी है कि प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पब्लिक वर्शिप मंदिर मस्जिद में जाने से रोक नहीं सकते अनटचेबिलिटी के बेसिस पे। फिर डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप होटल और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। फिर प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी अगर हम लोग किसी तरह से प्रीच कर रहे हैं तो ये सब एग्जांपल्स हैं अनटचेबिलिटी की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी कहा था कि राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, माइंड इट, ये किसका ओब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट दिस राइट इज़ नॉट वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की, पूरे देश की जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, इवन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, कोई सिंगल इंसान भी अगर इसको इसकी प्रॉब्लम को लेके जाता है, इसके वायलेशन को लेके, तो भी उसमें आर्टिकल 17 अप्लाई करके हम लोग उसको रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए ओब्लाइज्ड हैं। अब आते हैं आर्टिकल 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये इस लेसन का लास्ट आर्टिकल है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट लेसन से। तो इसमें चार प्रोविजन हैं जिसमें कि टाइटल को अबोलिश करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहला है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और फॉरेनर। ठीक है, किसी तरीके का टाइटल नहीं यूज़ कर सकते हैं, प्रोहिबिशन है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर। इट प्रोवाइड्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर फॉरेन से किसी को किसी तरीके की टाइटल मिल रही है तो उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके ही उसको एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलती है। और नंबर फोर्थ पॉइंट है, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट इज़ टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट में था कि अगर कोई फॉरेनर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे इंडिया में होल्ड किए हुए है और तब जाकर अगर उसको किसी तरीके का टाइटल मिल रहा है फॉरेन कंट्री से, तब उसको प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होती है, और अगर कोई नॉन सिटीजन या फॉरेनर जो कि हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए है हमारे ही स्टेट में, हमारे ही देश में, अंडर द स्टेट इज़ टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, अगर एक्सेप्ट करना भी हुआ इमल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है,
और कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जो कि टाइटल्स को दर्शाता है जो कि हमारे हेरिडिटरी चली आ रही है इंडिया में। काफ़ी ये प्रैक्टिस था, मशहूर था, जैसे महाराजा का उपाधि, राज बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर, ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे टाइटल्स की। तो टाइटल सिर्फ उतना ही अलाउड है जितना कि मिलिट्री और एकेडमिक प्रोफेशनली यूज़ किया जा सके, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी टाइटल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलग से या फिर मिलिट्री में भी जैसे कर्नल, मेजर, ये सब टाइटल अलाउड है। इसके अलावा ये सारी टाइटल्स जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल प्रोवाइड करी हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे टाइटल्स यूज़ अब नहीं होना चाहिए। तो इसको आर्टिकल 18 में रखा गया है। तो आई होप आर्टिकल आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर किसी तरीके की कोई डाउट आती है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।